2023 आ गया 2023। आप कह रहे थे ना कि 2023 वो साल होगा जब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। मैं अपने जीवन में क्या हूं, क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, वो मैं दुनिया को बताऊंगा। अगला साल आने तो 2023 का आप इंतजार कर रहे थे। नॉक नॉक नॉक, कोई है? 2023 आ गया। तो क्या वो आदतें रुकी जिनको आप रोकने का प्रयास कर रहे थे? अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन, एक सर्वश्रेष्ठ रूप बनने का जो प्रयास कर रहे थे, क्या वो हुआ? आज एक तारीख थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप सोचें। क्या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, सोशल मीडिया पर बिना मतलब अपना टाइम खराब करना, क्या ये बंद हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बताइए यार। 2023 को है ना अपने जीवन का अब तक का सबसे यादगार साल बना लो। जो हो गया वो हो गया, जो जो तुमने किया वो गया, वो खड्डे में गया, उसको भूल जाओ। ये नया साल आज पहला दिन है। ये नया साल तुम्हारे लिए 365 नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर तुम्हारे सामने खड़ा है। उनको यूटिलाइज कर लो, उनको अपना बना लो। अरे अपने लिए नहीं तो ये साल कुछ कर जाओ, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, कि वो भी छाती ठोक कर कह सकें कि ये हमारे घर का बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। जो हो गया भूलो उसको, एक बड़ा लक्ष्य तय करो इस साल और उस लक्ष्य पर काम करो जो तुमने इतने महीनों से, इतने सालों से सोच रखा। इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दो और वो करके दिखाओ जो तुम बनना चाहते हो। रिश्तेदार, घर वाले, बाहर वाले कहते होंगे ना, अरे तुम कहते हो कि करूंगा करूंगा, करते ही नहीं हो, अरे तुमसे होगा ही नहीं। उनको जवाब ये साल तुम दे सकते हो। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस साल को वैसे ही जाने दो जैसे हर एक साल गया है, और या फिर अद्भुत रूप से, अविश्वसनीय रूप से, एक नए रूप में तुम अपने आप को स्थापित कर सकते हो और वो बन सकते हो जो तुमने हमेशा अपने बारे में स्वयं को सपनों में देखा है, वो तुम कर सकते हो। कुछ ऐसा करो, अपना रूटीन ऐसा बनाओ, इस साल कुछ ऐसा कर जाओ, डेली कुछ ऐसा करो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग के लिए, अपने परिवार के लिए। कुछ ऐसा करो कि रात को जब सोए तो छाती ठोक कर सो सके कि मैंने दिन में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, मैंने अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए मैंने अपना समय दिया, मैं डिसिप्लिन रहा। और ऐसा करते करते एक एक कदम से, एक एक कदम से तुम मीलों की दूरी तय कर जाओगे। और इस साल के अंत तक, इस साल के अंत तक तुमने जो सोचा है तुम उसके बेहद करीब पहुंच जाओगे। और सब कुछ संभव रहा, सब कुछ अच्छा रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहे, तो तुम करके दिखा दोगे उस चीज को जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। ये साल तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, 2023 तुम्हारा है, इस बात को याद रखना और बात को गांठ बांध लो, डिसिप्लिन कर लो स्वयं को और इस साल वो करके दिखा दो जो तुमने हर बार सोचा था, और तुम वो कर सकते हो। खुद पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास, ये साल तुम्हारा है।